हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसमें से यह योगा से रिलेटेड पार्ट नंबर 6 है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस जरूर करिए। एंड डेली बेसिस पे जो मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बना रही हूँ उसका ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि दमे के रोगी के लिए षटकर्म की कौन सी क्रियाएं सहायक सिद्ध होती हैं। ऑप्शन है धोती, नौली, कपाल भाती। यहाँ पे सही होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी दमे के रोगी के लिए इस षटकर्म, जैसे कि दोस्तों षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं, नेति, धोति, नौली, बस्ती, त्राटक, कपाल भाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रासन कब किया जाता है, खाना खाने से पहले कि खाना खाने के बाद कि कभी भी। दोस्तों, जैसा कि चक्रासन खाना खाने के पहले किया जाता है और खाना खाने के बाद सिर्फ एक आसन किया जाता है जिसका नाम है वज्रासन, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक तनाव को दूर करने से संबंधित आसन कौन सा है। आसन है प्राणायाम, शवासन, सर्वांगासन। तो दोस्तों, जैसा कि प्राणायाम का मतलब ही होता है श्वासों पर नियंत्रण करना और ये मानसिक तनाव को दूर करता है, माइंड को खुला करता है, और शवासन भी यही करता है एंड सर्वांगासन भी। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है। तो सर्वांगासन को सभी आसनों की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रासन, गर्भासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन आदि किसमें सहायक होते हैं। तो किसके लिए सहायक होते हैं ये सभी आसन, तो यह मोटापा घटाने में सहायक होते हैं, चक्रासन, मयूरासन, गर्भासन, पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट है, पद्मासन का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, पद मतलब होता है कमल, ठीक है, तो पद्मासन का अर्थ होता है, दूसरा नाम है कमलासन, ठीक है, पद्मासन का दूसरा नाम है कमलासन। नेक्स्ट है, अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष क्या है। जैसे कि दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये हमारे मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, यानी कि मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, योग में समाधि किसे कहते हैं। तो योग में समाधि जो है चित्त को स्थिर करने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के चित्र में उन्हें कौन से आसन में दिखाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, उनको हमेशा हम लोगों ने देखा है पद्मासन में। किसमें देखा है? पद्मासन में। नेक्स्ट है, ज्ञान, कर्म, भक्ति ये क्या है। ये 3 मार्ग हैं। क्या है? हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। नेक्स्ट है, नौली आसन किस प्रकार के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ठीक है, नौली आसन जो है, जो हम अपने पेट को नीचे धंसा करके दाएं बाएं घुमाते हैं, ठीक है, वही नौली होता है। तो इसको किस प्रकार के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, तो इसको हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप का अगर व्यक्ति रोगी हो तो उसको यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी एंड सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को बिना पलक छपकाए या बिना पुतलियों को हिलाए लगातार एक टक देखना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, यह त्राटक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्राटक, यानी किसी वस्तु पर बिना पलक झपकाए एक टक देखते रहना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजल क्रिया कब करनी चाहिए? तो दोस्तों कुंजल क्रिया खाली पेट करना चाहिए। नेक्स्ट है, हल के आकार का कौन सा आसन होता है? जैसा कि आप सबको पता है, हलासन जो है वो हल के आकार का आसन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से बैठकर करने वाला कौन सा आसन नहीं है? जैसे कि इसमें दिया है पद्मासन, ये तो बैठकर किया जाता है। वज्रासन भी बैठ के किया जाता है, ठीक है। शलभासन एंड चक्रासन कौन है इसमें दोस्तों? इसमें चक्रासन जो है वह बैठकर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खड़े होकर करने वाला कौन सा आसन होता है? इसमें है आपका नटरासन, पद्मासन, शवासन, पश्चिमोत्तानासन। जैसे कि दोस्तों शवासन आप लेट के करते हैं पीठ के बल, पद्मासन बैठ के करते हैं, पश्चिमोत्तानासन भी बैठ के पैर फैला के करते हैं, जबकि नटरासन जो होता है वह खड़े होकर किया जाता है। नेक्स्ट है कि मुर्गी की तरह दिखने वाला कौन सा आसन होता है? तो मुर्गी की तरह दिखने वाला आसन होता है कुक्कुटासन। जैसा कि दोस्तों सभी आसनों के बारे में एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभाका, वीरभद्रासन, उत्कटासन, चंद्रासन, पद्मगुप्तासन आदि किस प्रकार के आसन हैं? तो ये सभी आसन खड़े होकर करने वाले आसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वान आसन, मत्स्येन्द्रासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, मेरुदंडासन, शुक्रासन आदि आसन किस प्रकार के करने वाले हैं? तो ये सभी बैठकर करने वाले हैं। कैसे हैं? बैठकर, जैसा कि दोस्तों इस बार UPTGT में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शवासन, हलासन, भुजंगासन आदि किस प्रकार से करने वाले आसन हैं, ठीक है। तो यह शवासन, हलासन, भुजंगासन कैसे हैं? लेट कर करने वाले व्यायाम है, ठीक है, लेट कर करने वाला व्यायाम है। तो सभी व्यायामों के बारे में आप जानेंगे तो आसानी से इन सब के आंसर दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत की बीमारियों के लिए कौन से आसन अपनाए जाते हैं? आंत की बीमारी है तो आप कौन सा आसन अपनाएंगे? गर्भासन, बड़ा हस्त पद्मासन, सूर्य नमस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कान के दर्द के निवारण के लिए कौन सा आसन उपयोगी होगा? तो इसमें ऑप्शन है सिद्धासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, अर्धमत्स्य, मत्स्येन्द्रासन। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, पुराने अस्थमा, खांसी, सांस लेने में कठिनाई आदि के उपचार के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए एंड बी यानी मत्स्यासन और शलभासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों यानी मत्स्यासन शलभासन होता है वह। पुराने अस्थमा, खांसी, सांस लेने में कठिनाई आदि के उपचार के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, अतिसार के उपचार के लिए कौन से आसन उपयोगी हैं, ठीक है। तो अतिसार के उपचार के लिए पद्मासन, कुक्कुटासन दोनों आसन उपयोगी हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट है, मत्स्यासन, सर्वांगासन व सुप्तवज्रासन किस प्रकार के रोगी के लिए उपयोगी होते हैं? क्या है? मत्स्यासन, सर्वांगासन, सुप्तवज्रासन, ठीक है। ये आपके हार्निया रोग के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। मत्स्यासन, सर्वांगासन, सुप्त वज्रासन किस प्रकार के रोगी के लिए उपयोगी है? तो हार्निया रोग के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों मैं उससे जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी, और जो भी डाउट है आपके मन में वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं जरूर डाउट क्लियर करूंगी। एंड दोस्तों लगे रहिए मेरे चैनल पे लगातार,
एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।